स्वागत है आपनो ऑनलाइन गुजरात न्यूज में हूँ रिपोर्टर कौशिक। गुजरात मंदिरों कैम्पेन हेठ आज आप अमदावाद शालीबाग विस्तार में जहाँ अँ श्री राणी शक्ति दादी खूब ज भव्य सुंदर मंदिर आलू है। अँ राणी शक्ति सेवा समिति द्वारा भाद्रपद्र अमावस्या खूब भव्य भव्य उत्सव मनावाई रो अपनी साथ हाल अजय अग्रवाल तथा आनंद अलग मित्रों से अपने संपूर्ण विगत कार्यक्रम विषय भी आपसे तो पहला आओ निहाड़िए श्री राणी शक्ति मंदिर अमदावाद साईबाग। अजय अग्रवाल, आज हमारी ये संस्था जो राणी शक्ति सेवा समिति शाहीबाग में अहमदाबाद में जो वर्षों से स्थित है, हम लोगों का ये वार्षिकोत्सव है भाद्रपद अमावस्या, जो बड़ी अमावस्या आती है। इस समय हमारी कुल देवी माता, हमारी शक्ति माता का आज के दिन पर यहाँ पर बहुत बड़ा मेले का उत्सव होता है, जिसमें हम अलग अलग मेहंदी उत्सव करते हैं। महिलाएं आती है, मेहंदी लगाती है, खूब नाच गाना होता है, खूब आनंद होता है। श्रावण महीना अभी अभी पूरा होता है तो उसी के साथ साथ ये भाद्रपद अमावस्या का उत्सव आता है। इसी के साथ में हम लोग कल हमने यहाँ पर आयोजन किया था हनुमान जी महाराज का सुंदरकांड पाठ का, जो कि बहुत अच्छे ढंग से बहुत एक बड़े रूप में यहाँ पर हनुमान जी महाराज पधारे थे और यहाँ पर बहुत अच्छा हमारा सुंदरकांड का पाठ हुआ था। आज पूज्य दादी मैया का सुहागन समूह मंगल पाठ होता है, जो कि यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में सुहागन महिलाएं आकर के दादी का मंगल पाठ करती है। उसमें खूब आनंद होता है, खूब उनको मजा आता है और ये कार्यक्रम हमारा करीब 4 से 5 घंटे तक चलता है, जिसमें पूरी की पूरी जो टीम होती है जो मंगल पाठ करती है वो बाहर से आती है और हमारे जो म्यूजिशियंस हैं वो भी बाहर से आते हैं और खूब आनंद उत्साह के साथ इस उत्सव को मनाया जाता है। कल भाद्रपद अमावस्या का दिन है, हमारी संस्था के हमारे इस मंदिर में पूज्य माँ का सुबह मंगला आरती होगी। मंगला आरती के पश्चात सभी भक्त लोग आएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, श्रद्धा निवेदन करेंगे और शाम को बहुत बढ़िया बैंड धुन के साथ हम पूज्य मैया की आरती का कार्यक्रम करेंगे। उसके पश्चात हमारा यहाँ का आज की शाम दादी मैया के नाम का भजन उत्सव का बहुत बड़ा कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद रात को माता की बहुत बड़ी आरती होगी और उसके बाद हमारा ये भाद्रपद अमावस्या उत्सव का जो दिन है वो वहाँ पर हमारा पूरा होगा। मेरे साथ हमारे मंत्री, हमारी संस्था के सहमंत्री रवि भाई अग्रवाल भी साथ में है और हमारे संस्था के मंत्री जो कि हमारी एक टीम के लिए लीडर है, हमारे संजय भैया जो हमारे अध्यक्ष हैं, अश्विन भैया हमारे मंत्री है, रवि भैया हमारे सहमंत्री है, मैं भी यहाँ पर संस्था में सेवा दे रहा हूँ। बहुत से हम सेवक लोग, पूरी हमारी कमेटी इस संस्था में इस काम में बहुत दिनों से लगी हुई है। माता रानी की कृपा हम सब पर बहुत रहती है। हम चाहते हैं कि हमारी संस्था की ओर से हम माता रानी को प्रार्थना करते हैं कि पूरे समाज में, पूरे विश्व में माता रानी का डंका बजे, माता रानी के आशीर्वाद सभी लोगों पर हो, कोरोना बहुत जल्दी हमारे देश से जाए, यही हमारी सबकी शुभकामनाएं हैं।
नमस्कार सर, मेरा नाम अश्विन गुप्ता, मैं यहाँ पे सेक्रेटरी हूँ। देखो कोरोना अब ऐसा कह रहे हैं कि भाई हाथी निकल गया पूंछ बाकी है, लेकिन हमको थर्ड वेव को ध्यान में रखते हुए कोई भी आयोजन करना चाहिए। तो हमारा जो भाद्रपक्ष का जो अभी आयोजन चल रहा है वो हमारे लिए थर्ड वेव को ध्यान में रखते हुए बहुत चैलेंजिंग था। तो वो चैलेंज को हमने एक्सेप्ट करते हुए और हमने कोविड की सारी गाइडलाइन का पालन करते हुए ये उत्सव को मनाया, लेकिन फिर भी हमको ऐसा लगता है कि क्राउड थोड़ा कम है क्योंकि कोरोना है और हमने सिलेक्टेड लोगों को बुलाया है, तो उस हिसाब से हम लोग काफी खुश भी है और काफी अच्छा माहौल भी है। जय दादी की, मेरा नाम रवि अग्रवाल है, ये नारायणी देवी है, महाभारत काल से इनका डंका बज रहा है। महाभारत काल में ये उत्तरा के रूप में जन्मी थी, उसके बाद इनका कलयुग में नारायणी के नाम से उत्पत्ति हुई और ये कलयुग की देवी हैं। इनका मुख्य धाम झुंझुनू है। कहा जाता है कि देश विदेश में दादी के बहुत मंदिर हैं, पर झुंझुनू के बाद दूसरा मंदिर अहमदाबाद का आता है। और यहाँ पे अग्रवाल समाज को इनकी कृपा बरसों बरस से मिल रही है, 50 बरस हमारे 4 साल बाद पूरे हो जाएंगे। तो दादी जी की असीम कृपा है हमारे ऊपर और दादी जी से यही प्रार्थना है कि ये कोरोना बीमारी जितनी जल्दी जाए और समाज का उत्थान हो, समाज का विकास हो। नित्यानंद अग्रवाल, पप्पू भाई के नाम से जानते लोग। अग्रवाल जी, आप ये इवेंट चल रहा है और माता के दिन है, आप क्या बताना चाहेंगे? काफी दिनों बाद एक अच्छा मौका मिला है, कोरोना के बाद पहली बार लोगों को एक अच्छा उत्सव करने का मौका मिला है, तो हमने इसका लाभ लिया है और अधिक से अधिक भक्त यहाँ पे आ रहे हैं और इसका फायदा उठा रहे हैं।